जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी टीजीडीपीटी 27,000 नई भर्ती विज्ञापन को लेकर आ चुकी है इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी, और आप सभी को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार भी खत्म हो चुका है। लेकिन एक बड़ी साजिश भी की गई है, तो सारी चीजें समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी टीजीटी पीजीटी 27,000 नई भर्ती विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और विज्ञापन को लेकर काफी समस्याएं भी आई। और किसी भी भर्ती का विज्ञापन हो, एक जो है प्रॉपर मेथड होता है कि अधियाचन कोई और मंगवाता है, और जिसमें हर एक जिले के डीआईओस का भी बड़ा रोल होता है, और उसके बाद ही आयोग को जो कंप्लीट अधियाचन होता है वो प्रेषित किया जाता है, और तभी यहां पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाता है। और हर एक स्टेप की ऑथेंटिक जानकारी भी जैसे ही हमारे हाथ लगती थी हमने आप तक पहुंचाने का भी कार्य किया है। तो साथियों, नए विज्ञापन को लेकर खुशखबरी तो आ चुकी है, लेकिन बताया कुछ और जा रहा था, सामने कुछ और निकल के आता है। जैसा कि साथियों, टीजीडीपीटी 2022 विज्ञापन के लिए योगी सरकार के द्वारा 27,000 पदों की संख्या बताई जा रही थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर जो है तदर्थ को लेकर भी फैसला आता है। तो इस प्रकार से कभी 27,000 कभी 55,000 भी सीटें बताई जा रही थी, और वहीं विज्ञापन को लेकर खुशखबरी तो आ चुकी है। चयन बोर्ड पूरी तैयारी में है विज्ञापन को लेकर, लेकिन चयन बोर्ड 6,000 के आसपास ही पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। अब ये जो है अपने तरफ से कटौती कर रहे हैं या फिर इतना ही अधियाचन मिला है, इसको लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि कई कॉलेजों द्वारा जो डाटा है वो नहीं भेजा गया, लेकिन साथियों ये हो सकता है कि 1,000-2,000 पदों का डाटा ना भेजा गया हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 27,000 में से मात्र 6,000 का ही डाटा मिला है। तो जो है ये कटौती तो हमेशा ही सरकार के द्वारा होती रही है भर्ती को लेकर, लेकिन कई बार कॉलेजों के द्वारा भी ये चालबाजी की जाती है कि वहां के प्रबंधक प्राइवेट स्तर पर खाली विषयों के अध्यापक नियुक्त किए होते हैं, और फिर उन्हें ही एक निर्धारित समय सीमा के बाद उनसे मोटी रकम वसूल करके परमानेंट करवा देते हैं। तो ये भी एक जो है समस्या हो सकती है। हालांकि जो है पदों की संख्या को लेकर यहां पर ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो पद होते हैं ये संभावित होते हैं और विज्ञापन जारी होने के बाद भी जो है बढ़ाए जा सकते हैं, तो ऐसा कोई जो है समस्या नहीं है। और यहां पे खुशखबरी यह है कि आप सभी का जो विज्ञापन है एक स्टेप और बढ़ चुका है, और यहां पे चयन बोर्ड पूरी फिराक में है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कर दिया जाए और आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।